के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा निकाली गई वन पार वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों आप अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों ये वैकेंसी 11/11/2020 अर्थात आज निकाली गई है। 11 नवंबर 2020 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो इसकी आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.government.in। तो दोस्तों इस पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों आप जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप किस तरीके से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.government.in पर जाना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे न्यूज एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन पे मिल जाएगा फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड 2020 फुल रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे एक टैब ओपन होगा डाउनलोड का, तो आपको इस पर डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे दोस्तों आप डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वन पाल वन रक्षक का, तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। और दोस्तों इसमें आप 10th और 12th पास वाले स्टूडेंट अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप वन विभाग पॉलिस डिपार्टमेंट में तैयारी कर रहे हो, इसकी वन पाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही शानदार अवसर है। दोस्तों आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और दोस्तों आपको फॉर्म इसमें SSO ID के द्वारा भरना है। अगर दोस्तों आपकी SSO ID बनी नहीं है तो आप, मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है देखने के लिए। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार के आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों देरी ना करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहेगी इसी प्रकार के आने वाले वीडियो की जानकारी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों SSO ID कैसे बनाएं या उसका पासवर्ड किस तरीके से फॉरगेट करें, तो इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको उसका वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों मैं इस वैकेंसी के बारे में बिना, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, और ताकि आपको आने वाली सभी सरकारी वैकेंसी की वीडियो की जानकारी एंड टू एंड मिलती रहे। तो दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो 11 नवंबर 2020 को जारी किया गया है, और इसमें वन पाल वन रक्षक की वैकेंसी निकाली गई है पुलिस डिपार्टमेंट में, जिसमें से वन पाल 80 ये TSP नॉन DSP के इतने पद हैं, टोटल वन पाल के 87 पद हैं और वन रक्षक के 1041 पद दिए गए हैं। और दोस्तों मैं आपको इसमें नॉर्मल इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ। आपको अपनी SSO ID के माध्यम से SSO ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा, उसके बाद में डैशबोर्ड ओपन होगा। ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट पर आपको परीक्षा का, ये ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट में संबंधित परीक्षा अप्लाई नाउ लिंक पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको फॉर्म खुलेगा और उसको पूरा फिल करके आपको भर देना है। उसके बाद में ट्रांजेक्शन करके आपको फॉर्म सबमिट कर देना है, हार्ड कॉपी आपको प्राप्त कर लेनी है। उसके बाद में दोस्तों परीक्षा शुल्क की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जनरल और EWS कैंडिडेटों के लिए 450 रुपये फीस रखी गई है, और OBC ये मतलब नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर OBC वालों के लिए 350 रुपये फीस रखी गई है, SC ST के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। और बात करें अपन इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, तो दोस्तों जो इसका एडमिट कार्ड है प्रवेश पत्र वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा या फिर आपके ईमेल एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों बात करें अपन योग्यता की, तो इसमें अपने को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वन पाल के लिए अपने को 10+2 पास होना जरूरी है, और वन रक्षक के लिए अपने को 10th पास होना जरूरी है। शारीरिक दक्षता न्यूनतम अपने को पास होना जरूरी है, जैसे पुरुष के लिए ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सीने का सामान्य 84 और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर
पढ़ना चाहिए और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए और 79 सामान्य सीना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में चाहिए। तो पुरुषों के लिए सिटअप्स 1 मिनट में 25 दोहराओ। दोस्तों पुरुषों के लिए सिटअप्स 1 मिनट में 25 दोहराओ और क्रिकेट बॉल फेंक थ्रो 55 मीटर और महिलाओं के लिए खड़ी लंबी कूद स्ट्रेचिंग ब्राउन जंप्स 1.35 मीटर और गोला फेंक शॉर्ट पुट 4 किलोग्राम 4.5 मीटर। इस तरीके से ये चाहिए और इसमें बाकी और कुछ नहीं है जैसा आप सब जानते हो। इसको नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ लेना। बाकी इसमें जो एज चाहिए आयु सीमा, तो वनपाल के लिए इन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 18 से 40 साल तक की आयु चाहिए वनपाल के लिए और वन रक्षक के लिए 18 वर्ष से 24 वर्ष के मध्य में आयु चाहिए। और दोस्तों कब से फॉर्म भरे जाएंगे इसके, तो दोस्तों इसके 8 दिसंबर 2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 7 जनवरी 2021 मध्य रात्रि 11-12 बजे तक लास्ट तारीख रखी गई है। तो दोस्तों आपको 8 दिसंबर 2020 से इसके फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना है, तो आप 8 दिसंबर 2020 के बाद में से इसके। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार अपने चैनल पर आए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिलती रहे इस प्रकार के आने वाले नए नए वीडियो की सबसे पहले जानकारी। थैंक यू।